रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर टू की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने करवा दिया था। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये मैंने बताया था कि फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू इंश्योर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू price of the commodity. Now the problem is marginal utility is measured in terms of utils, price is measured in terms of rupees. So in order to compare, we should bring them to same units. So how to convert utils into rupee? By dividing marginal utility of X with marginal utility of money. So you get this condition. MUX over should be equal to PX. We can also write it as MUX over PX is equal to MUM. What is MUM? It is worth of a rupee to the consumer. Similarly, what is MUX over PX? Worth of a rupee. ठीक है, एक पर रुपी से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है यही बता रहे हैं ना। टोटल मुझे इस स्टॉक से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली और ये चौक आया 10 रुपए 2 रुपए का, तो मुझे 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली? 5 रुपीज के बराबर, है ना, 5 रुपए के बराबर मिल रही ना, तो ये इक्वेट हो गए, बैलेंस हो गए। सेकंड कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ DMU शुड अप्लाई ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कमोडिटी की कंजम्पशन का स्टॉक बढ़ाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, कम करेगा स्टॉक तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ये जरूरी है तभी ये बैलेंस आ सकता है। अगर उसके ऊपर लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होता, यानी वो जितनी मर्जी कंजम्पशन करे और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है, तो हम ये इक्वालिटी नहीं ला सकते। आप देखते हो एक सब्जी वाला आता है बैलेंस लेके आता है, आपने 2 किलो की चीज ली तो कई बार वो इधर अपना वेट रखता है 2 kg का, दूसरी तरफ सब्जी रखता है ना, तो अगर वो वेट नीचे जा रहा है क्या मतलब वेट ज्यादा है सब्जी का, तो वो कुछ क्वांटिटी निकाल लेता है ना, और अगर ऊपर है तो वो कुछ क्वांटिटी और डाल देता है। अगर वो ये ना कर सके तो क्या ये बैलेंस ला सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए लॉ ऑफ DMU वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ये उसका मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है, यानी जब वो फर्स्ट यूनिट लेता है तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है लेट अस से 10 utils, लेट अस से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 1 rupee। तो ये चाहे utils में आ गई चाहे रुपीज में आ गई, एक ही बात है, क्योंकि 1 से ही डिवाइड करना है, तो रुपीज में लिख लिया। सेकेंड से इतनी, थर्ड से इतनी, फोर्थ से इतनी, फिफ्थ से इतने यूनिट्स उसको मिले। नाउ ही हैज टू डिसाइड कि वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करे, हाउ मेनी यूनिट्स शुड ही बाय। फॉर दैट यू शुड नो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितना खरीदना चाहिए उसको। अगर ये 4 रुपए का है तो क्या एक पेन खरीद के बस कर दे? एक पेन से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10 रुपए के बराबर। सेक्रीफाइस कितनी कर रहा है? 4 रुपए के बराबर, तो ही इज इन सरप्लस ऑफ 6 rupees। बस एक पेन खरीद ले, ठीक नहीं है, फायदा हो रहा है उसको, घर बैठ जाओ, ठीक है। सो यू वुड एडवाइज हिम टू बाय ओनली 1 pen। दीपांशु कहता है ही शुड बाय ओनली 1 pen। चलो अगर आपको कोई बोले कि भी आप 1 घंटा शॉप पे जाओगे तो आपको 1 lakh मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, 2 घंटे जाओगे तो 1,80,000 का प्रॉफिट होगा, क्या? चलो अच्छी बात है ना, हमेशा ऐसा बड़ा ही सोचना चाहिए। ठीक है, आपका नाम लेके कह देती हूँ, दीपांशु। अगर 1 घंटा इसको कोई कहता है 1 घंटा ये शॉप पे जाएगा तो इसको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो 2 घंटे जाएगा तो 1,80,000 का मिलेगा, दूसरे घंटे में 80,000 का मिलेगा। शुड ही गो फॉर द सेकेंड आवर और नॉट?
यस, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बैठे? यहाँ पे पहला यूनिट कंज्यूम करोगे तो कितना प्रॉफिट है? 6 रुपए का। दूसरा कंज्यूम करोगे तो 8 रुपए यूटिलिटी कम मिलेगा आगे से, यूटिलिटी कम है लेकिन यूटिलिटी सेक्रीफाइस कितनी कर रहे हो? 4। तो यू आर इन सरप्लस ऑफ 4 रुपी। शुड यू कंज्यूम सेकेंड पेन और नॉट? यस, यू आर इन सरप्लस। ठीक है, नाउ अगर आप थर्ड पेन भी खरीदोगे वो भी कितने का आएगा? लेकिन आपको उससे यूटिलिटी क्या मिलेगी? 6। लेकिन फिर भी अभी कितने का सरप्लस इंजॉय कर रहे हो? 2 का। शुड यू कंटिन्यू बाइंग? यस। नाउ व्हेन ही बायस 4, इट विल गिव हिम यूटिलिटी इक्वल टू 4 रुपीज एंड यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड इज ऑल्सो 4 रुपीज। इज ही गेटिंग एनी प्रॉफिट? इज ही गेटिंग एनी लॉस? द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी डिराइव्ड एंड यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड इज 0। शुड ही बाय दिस पेन? ले लेना चाहिए ना। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर तीसरा घंटा आप जाते हो तो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, तो चौथा घंटा जाके देखोगे या नहीं? कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां पर आप अपनी कंजम्पशन बंद नहीं कर सकते, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग सरप्लस प्रॉफिट यू विल गो ऑन बाइंग। मेंटेलिटी है, ठीक है। जब तक सरप्लस एंजॉय कर सकते हो तब तक करोगे। अब क्वेश्चन इसके बाद अराइज होता है। फोर्थ पेन तक डिसाइड हो गया हमने लेना ही लेना है। फिफ्थ पेन अगर लेते हैं तो यूटिलिटी कितनी मिलती है? 2 रुपए के बराबर। देना कितना पड़ रहा है? 4 रुपए। यू आर इन। शुड यू बाय फिफ्थ पेन? नो, क्लियर कट नो है। 5वें घंटे एक तो मैं अपना टाइम वेस्ट करके जा रहा हूँ फैक्ट्री में या शॉप पे, ऊपर से कोई कस्टमर नहीं आएगा उस टाइम पे, रात का टाइम है, एसी चलाऊंगा, सेल्समैन को खर्चा दूंगा, तो मेरे को तो नुकसान है। जाओगे अब? नहीं जाओगे। ये तो क्लियर कट केस है। यहाँ पे क्यों नहीं जाना? नुकसान हो रहा है। मतलब कहाँ पे कंजम्पशन नहीं करनी? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। क्लियर कट है। यहां तक क्यों नहीं छोड़ देना? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है, क्योंकि यू आर इन गेन, कंज्यूमर इज इन गेन, सो ही वुड लाइक टू बाय मोर। कहां तक फिर जाना चाहिए? अगर ये भी नहीं फुलफिल, यहां ये भी नहीं मंजूर, ये भी नहीं मंजूर, तो कौन सी हो गई? तीसरी ऑप्शन क्या है? वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। वो कहां पे है? यहां पर। सो ही शुड बाय 4 pens बिकॉज हेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, सो इसके बेस्ड एमसीक्यू क्या बन सकता है कि अगर यहां पे ध्यान से देखिएगा, कंज्यूमर, अच्छा वो 2 कमोडिटी केस में आएगा, चलो सिर्फ ये समझ लो। अगर एम यू एक्स लेस देन पी एक्स है, शुड ही बाय, उसको अपनी कंजम्पशन क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर एम यू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स है तो उसको अपनी कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी को देखो ना बेटे, ऐसे याद रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है तो कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना है तो कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। ये लिख लो कहीं पर, कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू, लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है ना, कंजम्पशन बढ़ती है तो यूटिलिटी कम होती है, कंजम्पशन कम होती है तो यूटिलिटी, मैंने उलट लिखा है उससे, मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है तो कंजम्पशन को कम कर दो, मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना है तो कंजम्पशन को बढ़ा दो। गॉट इट? चलो, अब हो गया ये सिंगल कमोडिटी केस। लेकिन कंज्यूमर्स जनरली 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं कि नहीं? अब वहां पे उसको कैसे गाइडेंस देनी है कि भी तू कितने यूनिट्स एक्स के और कितने वाई के खरीदे ताकि यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ गाइड करता है कंज्यूमर को?
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन का सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन कहलवाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर शुड डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इन सच अ वे दैट यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन बोथ द गुड्स शुड बी सेम। एक्स और वाई में दो गुड्स ले रही हूं, मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे आगे क्वेश्चन मार्क क्या है, मैं कितने एक्स के ऊपर और कितने वाई के ऊपर खर्चू, तो आपकी सोल्यूशन मेरे को आपको क्या आई कि मैम इस तरह से खर्चो कि लास्ट रुपी जो एक्स और वाई के ऊपर खर्च रहे हो ना, जैसे 3 रुपए इसके ऊपर खर्चे तो 2 इसके ऊपर अगर खर्चे तो 3रा रुपया जितनी यूटिलिटी दे रहा है इसके ऊपर जो लास्ट रुपी स्पेंड यानी सेकेंड रुपी है इट शुड ऑल्सो गिव सेम यूटिलिटी। क्लियर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंडीशन क्या बनी, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी टू इट्स प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू इट्स प्राइस शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ, ये लाइन का मतलब क्या, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस, नहीं बोलना क्योंकि मैंने रेशियो ऑफ बोल दिया ना तो 2x प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सेकेंड कंडीशन, लॉ ऑफ डीएमयू शुड बी एप्लीकेबल ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो अब इसका मैंने टेबल और डायग्राम समझाया हुआ है, एक बार दोबारा से फटाफट बता देती हूँ फिर मैंने एमसीक्यू पे आना है। आप कंज्यूमर है, उसके पास 5 रुपए हैं, वो 2 चीजों के ऊपर खर्चना चाहता है एक्स और वाई के ऊपर। पहले मैंने उससे पूछ लिया अपना एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दो, तो उसने बोल दिया इस तरह से कि अगर मैं 1 रुपी स्पेंड करता हूँ एक्स के ऊपर फर्स्ट रुपी तो मेरे को 12 यूटिलिटी, इससे 10, 8, 6, 4। फिर कहता है अगर यही 5 रुपए में वाई के ऊपर खर्चता हूँ तो वाई मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू एक्स, तो फर्स्ट यूनिट वुड गिव मी यूटिलिटी इक्वल टू 10 और रेस्ट के बाद कम होती जाएगी। तो हमने उसको कैसे गाइड करना है, हाउ मेनी रुपीज शुड ही स्पेंड ऑन एक्स एंड हाउ मेनी ऑन वाई, तो उसको समझाओ बेटे पहला, भैया पहला तो 1 रुपया तू खर्चेगा एक्स के ऊपर, क्लियर कट केस है क्योंकि तेरे को उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा तो खर्च देना वाई के ऊपर क्योंकि दोनों के ऊपर क्या मिल रही है सेम, तो प्रेफरेबली आपने एक्स नहीं लिया हुआ तो वाई ले लो। तीसरा रुपया किसके ऊपर खर्चेगा क्योंकि इसको यूटिलिटी इससे ज्यादा मिल रही है। चौथे में सेम मिल रही है तो क्योंकि इसका 1 यूनिट है तो दूसरे यूनिट के लिए इसके ऊपर खर्च देगा। और 5वां रुपया, ठीक है, अब एंड में देखना है कि ये ठीक आपने उसको राय दी है कि नहीं। तो देखो लास्ट रुपी ऑन एक्स गिव्स हिम यूटिलिटी इक्वल टू, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन वाई गिव्स हिम यूटिलिटी इक्वल टू 8। कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो ही इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपेंस, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अड़ गए, नहीं मैम ये नहीं, मैंने तो 2 लेने हैं एक्स के, 2 यूनिट मैं लूंगा एक्स के, 3 यूनिट मैंने लेने हैं वाई के। ठीक है, मैंने बहुत समझाया आपको, मैंने कहा कि बेटे जब ऐसे ले रहे थे आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी पता है, 12, 10, 8 कितने हो गए एक्स से बताओ, जब 3 रुपए इसके ऊपर खर्च रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी एक्स से, 30, वाई से कितनी मिल रही थी, टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही थी आपको, 48। अब आप कहते हो नहीं जी ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने तो एक्स के ऊपर 2 रुपए वाई के ऊपर 3 रुपए खर्च ले, ठीक है तो मान ली आपकी बात, कितने रुपए एक्स के ऊपर खर्चे 2, कितनी यूटिलिटी मिली, तो 3 रुपए वाई के लिए बचे, 5 के 5 स्पेंड करने,
कितनी यूटिलिटी मिली? 10 और 8 6 24। टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? पहले से कम या ज्यादा? मान लिया आपने मेरी बात? ठीक है मैम, यू वर राइट, ठीक है। बट नाउ यू आर एट दिस सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन व्हेन यू आर स्पेंडिंग 2 रुपीज ऑन एक्स एंड 3 ऑन वाई। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स? बोलो, 10 है ना, लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन एक्स गिव्स यू यूटिलिटी इक्वल टू, और दोनों एक एक रुपए के हैं, एंड दिस इज 6। यू आर एट दिस सिचुएशन, यहां पे इक्वल का साइन डल सकते हैं, क्या आ रहा है? ग्रेटर का। यू विल हैव टू रीअरेंज योर परचेस, व्हाई नॉट, व्हाई यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम? बिकॉज जो लेवल पे आप हो वहां पर ये कंडीशन है, MUX over PX is greater than equality का साइन। बेटे ये तकड़ी है, जो नीचे की तरफ है उसमें कुछ निकाल लेंगे, जो ऊपर की तरफ है उसमें कुछ डाल देंगे, बैलेंस आ जाएगा। यस, यहां पे क्या है, यहां से निकालना है, यहां डालना है, यानी MUX को कम करना है, MUX को कम करना है। मैंने कैसे बोला अभी आपको, क्या लिखवाया? MU को कम करना है तो कंजम्पशन को बढ़ाना है, लिखवाया। तो क्या करेंगे, कंजम्पशन को, किसकी कंजम्पशन को? X, एक मिनट, MUX इज ग्रेटर, हाँ ग्रेटर है ना, तो हमें इसकी कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा तो ही यूटिलिटी कम होगी। और अगर बेटे एक की, क्योंकि 5 रुपए है ना, इस पे ज्यादा खर्च दिए तो इस पे ऑटोमेटिकली कम रुपए रह गए, ऐसे ही होगा ना, तो इसकी कंजम्पशन को क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसकी यूटिलिटी बढ़ानी है ना, इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, देख लो यहाँ पे, इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है, तो इसको कम करने के लिए इसकी कंजम्पशन, इसकी कंजम्पशन, चलो देखते हैं फिर, एक यूनिट बढ़ा दी कंजम्पशन तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो गई, कितनी हो गई? 8। वही 1 रुपया वाई के ऊपर खर्च कर दिया, यूटिलिटी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई ना इसकी, तो इसकी यूटिलिटी कम हो गई ना बेटे, आ गया इक्विलिब्रियम। ए 6 से कितना आ गया? 8। ये 10 से कितना आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। कैसे आया? एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा दिया, वाई की कंजम्पशन को कम कर दिया। शायद मैंने कल एमसीक्यू डाला था, A consumer is in this state. What should he do to bring consumer equilibrium? He should increase the consumption of X and decrease the consumption of Y. एक टिप से आंसर मिला, ये मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना है तो कंजम्पशन को बढ़ा दो, एंड वाई से वर्षा। इज इट क्लियर? क्यों आप बोलो कि मैम ये रेशो तो 2 से बनती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हाँ तो हम इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, प्राइस के ऊपर हमारा इफेक्ट कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी कंजम्पशन के ऊपर है, ठीक है। तो हो सकता है मैंने एक ऑप्शन में डाला हो, इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्स, डिक्रीज द प्राइस ऑफ वाई, कैन वी डू दैट? नो, इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ठीक है। सो ये हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर ओवर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड, इसका डायग्राम की जरूरत है, चलो वो फिर हम नेक्स्ट जब रिविजन करेंगे तब कर लेंगे।
अभी वी शुड फोकस ऑन थ्योरी ऑफ डिमांड. व्हाट इज डिमांड? व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड? डिजायर फॉर ए कमोडिटी, एबिलिटी टू बाय अ कमोडिटी, willingness to spend the means, then demand is always at a particular price and at a particular point of time. So demand for a commodity refers to quantity of the commodity which the consumers are able and willing to buy at various prices during a given period of time. Only desire cannot be called as demand. The desire has to be accompanied with ability to fulfill your desire and willingness to fulfill your desire. यहाँ बैठ के सोचते रहे कि हम business करेंगे वो सिर्फ desire है, ठीक है, या car लेंगे that is only a desire. हाँ, अगर car लेने के पैसे हैं, पैसे खर्चने को मन भी है, तो वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है. इज इट क्लियर? डिमांड नेवर रेफर्स टू द एक्चुअल परचेज, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच यू आर एबल एंड विलिंग टू बाय. सो दैट्स व्हाई डिमांड इज विच कॉन्सेप्ट? एक्स एंटे. इट इज नॉट एक्स पोस्ट, इट इज एक्स एंटे, प्लान्ड है, ठीक है. ऑल राइट. Then, is there any difference between quantity demanded and demand? What is quantity demanded? Right. And what is demand? Demand basically refers to demand schedule. That is, quantities of a commodity which the consumer is able and willing to buy at various prices. अलग अलग prices पर consumer एक commodity की कितनी quantity ले सकता है और लेने को तैयार है. It is referred to as demand. Madhu, be attentive. On the other hand, what is quantity demanded? Specific quantity which the consumer is able and willing to buy at particular point of time. जैसे बेटे इसका मैं एक कर्व बनाती, इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, ये क्या आ गया? डिमांड कर्व. डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड. क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस. अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांडेड. अगर मैं कहती हूँ आप, मैं ए पे हूं, इसका मतलब मैं ओपी प्राइस पर ओएम क्वांटिटी लेने को तैयार हूं, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ओएम. ये डिमांड रिप्रेजेंट करता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड. इसी तरह ये डिमांड रिप्रेजेंट करता है शेड्यूल, और ये क्वांटिटी डिमांडेड. यानी क्वांटिटी डिमांडेड सिंगुलर कंसेप्ट है, डिमांड प्लूरल कंसेप्ट. आगे समझ? व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? It's a schedule, it's a table which represents quantities demanded by individuals at, it is of individual demand schedule, quantities of a commodity demanded by an individual consumer at various. Market demand schedule, quantities demanded by all the buyers in the market at various prices. It is basically summation of individual demand schedule. अगर ये A की demand है अलग अलग price पर, और इस market में दो buyer हैं A और B, मैंने B से भी पूछ ली आपकी demand कितनी है, उसने अपना शेड्यूल दे दिया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास क्या आ गई? मार्केट डिमांड. और जब मैंने उसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया?
मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, व्हाट इज डिमांड कर्व? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। व्हाट डज इट शो? सेम क्वांटिटीज डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस। इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। व्हाई? व्हाट डज नेगेटिव स्लोप इंडिकेट? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर एट वेरियस प्राइसेस। सो अगर मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? व्हाट डज इट शो? Quantity demanded by all the buyers in the market at various prices. तो अगर ये A का demand curve है, ये B का demand curve है, ये दोनों को add कर दिया, ये आ गया market demand curve. It is the horizontal summation. शायद ये भी question था, लेटरल समेशन है, वर्टिकल समेशन है, हॉरिजॉन्टल समेशन है? हॉरिजॉन्टल समेशन। ये डिस्टेंस ऐड किया है ना, दिस प्लस दिस गिव्स राइज टू दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला, तो हॉरिजॉन्टल समेशन। व्हाट इट? ओके, डिमांड, मार्केट डिमांड का भी नेगेटिवली स्लोप्ड होगा या नहीं? Now we can explain law of demand on this basis. What is law of demand? Law of demand states that there exists between price of the commodity and its quantity demanded. Other things remaining the same, constant, ceteris paribus. Okay? So this law states that if the price of the commodity rises, its demand falls. And if price of the commodity falls, demand will rise. Vice, other things remaining the same. So this law can be explained with the help of demand schedule. Can you see? As the price rises, demand falls. From the diagram, demand curve negatively sloped hai. What does it show? मैंने ये पर्टिकुलर एक प्राइस ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड ले ली, फिर मैंने प्राइस कम कर दिया, नीचे ले लिया, अब डिमांड ले ली, तो आपको पता चल रहा है प्राइस फॉल होने से डिमांड में क्या आ रहा है? राइज। यानी देयर एग्जिस्ट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट आर अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट? अजम्पशंस, these are known as of law of demand. What are the assumptions of law of demand? There is no change in the price of related goods, there is no change in the income of the consumer, taste and preferences remain the same, no change in future expectations, yeah, expectations regarding future prices. Theek hai, कल हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ट्यूसडे को फैक्टर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो।